हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही अहम खबरें हैं जो कि शिक्षा और रोजगार जगत से संबंधित हैं। दोस्तों, यूपी 888 से अभी दो नई नोटिस जारी हुई हैं। पीटी 2022 की परीक्षा स्थगित हो चुकी है। इसके अलावा हम आपको अन्य और बड़ी अपडेट दोस्तों देने वाले हैं, और इसी क्रम में आज 6 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से दोस्तों एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जहां पर विज्ञापन संख्या 51 को लेकर दोस्तों सहायक आचार्य के पदों पर जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है दोस्तों, उस पर बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है दोस्तों। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो इस लाल बटन को दबाकर दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, यहां पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने को लेकर छात्रों ने कई बार एक प्रेस नोट और ज्ञापन जो है वो अधिकारियों को प्रेषित किया था, और इसी क्रम में दोस्तों उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से आवेदन की जो तिथियां हैं दोस्तों एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं। जी हां, अब आपको विज्ञापन 51 में ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो दोस्तों 23 अगस्त 2022, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2022, और आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने की समय जो है वो 25 अगस्त 2022 दोस्तों कर दिया गया है। तो एक बार फिर से आपको बड़ा मौका मिल चुका है। अगर आप सहायक आचार्य बनना चाहते हैं विज्ञापन 51 के तहत, तो अभी आपके पास दोस्तों एक बार फिर से मौका है ऑनलाइन आवेदन करने का, क्योंकि आवेदन की तिथियाँ जो हैं काफ़ी लंबे समय के लिए बढ़ चुकी हैं। तो आप फटाफट आवेदन को पूर्ण जरूर कर लें। दोस्तों, अभी अगली अपडेट आ चुकी है, जिसमें पहली अपडेट है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। दोस्तों, ये आवश्यक सूचना 6 अगस्त 2022 को ही जारी की गई है। इसके अलावा भी अगली अपडेट है यूपी 888 से, लेकिन पहले इसे देख लेते हैं, जहां पर जानकारी दोस्तों दी गई है कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है पीटी 2022 वाली, उसमें जो आपकी दोस्तों लिखित परीक्षा है वो प्रस्तावित थी 18 सितंबर 2022 दिन रविवार को, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से इस परीक्षा को दोस्तों स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ, इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, और बताया गया है दोस्तों कि अब ये जो परीक्षा है वो 18 सितंबर 2022 के स्थान पर 15 एवं 16 अक्टूबर यानी कि शनिवार और रविवार दो दिनों में दोस्तों प्रस्तावित की जाएगी। पहले यह परीक्षा एक दिन में प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे 15 और एवं 16 अक्टूबर दो दिनों में यहां पर इस परीक्षा को प्रस्तावित दोस्तों किया जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की जो संख्या है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। लगभग 35 लाख छात्रों ने इस बार पीटी 2022 में दोस्तों आवेदन कर दिया है, तो पिछली बार केवल 20 लाख थे, तो लगभग दोगुना छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया है। ऐसे में दो दिन का समय लिया गया है, और तैयारियों के लिए तारीखों को दोस्तों आगे बढ़ा दिया गया है। फिलहाल दोस्तों प्रवेश पत्र व अन्य जो भी जानकारी आएगी हम उसकी लगातार जानकारी आपको देते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। अगली अपडेट भी दोस्तों अभी ये नोटिस जारी हुई है 6 अगस्त 2022 को दोस्तों, और ये नोटिस भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ही जारी की है, जहां पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा जो कि 9212 पदों पर हो रही है, उसमें इंतजार कर रहे छात्राओं के लिए अच्छी अपडेट दोस्तों आ चुकी है, क्योंकि जो उपरांत अंतिम परिणाम एवं लंबवत जो 36 आरक्षण कट ऑफ है उसका इंतजार छात्रों को था, तो वो इंतजार अब दोस्तों समाप्त हो चुका है, क्योंकि यूपी 888 ने कट ऑफ को लेकर अंतिम घोषणा यहाँ पर कर दी है। अगर लंबवत आरक्षण की बात करें तो अंतिम चयनित अभ्यर्थी का कुल प्राप्तांक अनारक्षित में 50 है, अनुसूचित जाति में 35 गया है, अनुसूचित जनजाति में 13.75, अन्य पिछड़ा वर्ग में 42.50 और ईडब्ल्यूएस का 3 बताया गया है। यहाँ पर अंतिम रूप से चयन अभ्यर्थियों की कुछ डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी दोस्तों यहाँ पर जानकारी दी गई है, क्योंकि एज समान होने के कारण इस तरह की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर घोषित की जाती है। वहीं पर अगर 36 आरक्षण की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित यहाँ पर अंतिम चयन की कुल कट ऑफ है 9.75,
और यहाँ पर अन्य भी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप भी यहाँ पर परीक्षा में बैठे थे तो आपके लिए यहाँ पर अच्छी अपडेट है। अगर इस कट ऑफ के अंदर हैं तो आप दोस्तों यहाँ पर चयनित हो चुके हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है वीएड और बीएसटीसी को लेकर, बीटीसी को लेकर, डीएलएड को लेकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है दोस्तों वो अहम सुनवाई है, जो कि बहुत पेंडिंग है, पिछली बार भी सुनवाई नहीं हो पाई, उसी को लेकर यहाँ पर कोर्ट स्टेटस दोस्तों देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पर बड़ी अपडेट है। और देखने को दोस्तों मिल रहा है कि अब जो अगली सुनवाई है वो 15 अगस्त के बाद यानी कि 17 अगस्त 2022 इसको यहां पर दोस्तों हो सकती है। बीएड बनाम बीटीसी को लेकर यहां पर बड़ी सुनवाई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, क्योंकि सुनवाई पर भारत के लगभग समस्त जो भी लाखों लाख बीएड छात्र हैं उनकी नजर बनी हुई है कि आखिर में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यहां से क्या आदेश देने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अभी तक बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में राहत नहीं दी है, अगर राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें उस ऑर्डर के खिलाफ। तो ऐसे में नजर जो है छात्रों की वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर पड़ी हुई है। तो 17 अगस्त को दोस्तों यहां पर सुनवाई हो सकती है और इससे संबंधित जो लिस्ट है वो दोस्तों 2-3 दिन पहले, 1 दिन पहले जारी हो सकती है। तो जैसे जारी होगी कि किस नंबर पर किस कोर्ट में क्या सुनवाई होगी, हम उसकी जानकारी भी 1-2 दिन पहले आपको दे देंगे। सुनवाई होने के बाद भी पूरी अपडेट हम आपको दे देंगे। उसके लिए आप दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अहम सुनवाई देखने को मिल सकती है, जो कि दोस्तों अगस्त महीने में ही देखने को मिलेगी, ऐसी भी जानकारी है, जो कि 20 अगस्त से पहले वहां पे भी सुनवाई हो सकती है। फिलहाल उसकी जैसे ही कोई ऑफिशियल कॉजेज देखने को मिलेगी हम उसकी भी जानकारी दोस्तों आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, इस सुनवाई को लेकर हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे जो भी अपडेट देखने को मिलेगी। आज दोस्तों सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देखकर छात्र काफी ज्यादा परेशान दिखे। हम यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर ये कुछ तस्वीरें हैं और सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिली कि मीटिंग हुई है आज, जिसमें 12,460 शिक्षक भर्ती में शासन के प्रस्ताव भेजने पर लेकर आज दोस्तों यहाँ पर वार्ता हुई है, ऐसे यहाँ पर पोस्ट दोस्तों देखने को मिल रही है, जिसके कारण 12,460 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, उनको ये सोच रहे हैं कि आज भी इस पर कोई मीटिंग थी तो नहीं थी। तो हम दोस्तों जानकारी दे दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती पर कल ही मीटिंग थी, जिस पर यहाँ पर आदेशित कर किया जा चुका है कि यहाँ पर महाधिवक्ता सर से बात करते हुए इस मामले को निस्तारित करवाया जाए। दोस्तों आज 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी आवश्यक मीटिंग नहीं थी, यह जानकारी है। इस पोस्ट से आप ज्यादा यहां पर परेशान ना हो, क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा सूचना आ चुकी है कि आज 12,460 पर कोई भी मीटिंग नहीं थी, वो मीटिंग दोस्तों कल की है और कल की अपडेट हमने आपको दे दी है कि 22 अगस्त को होने वाली सुनवाई में बड़ी अपडेट देखने को दोस्तों यहां पर मिल सकती है, सरकार की तरफ से कुछ नया देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो आगे भी जो अपडेट देखने को मिलती रहेगी हम आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। उसके लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को यहां तक आपने देखा तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।